नो विजिटर इज अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट विदाउट वैलिड परमिशन। सर जी भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे आके बंदर बन जाते हैं। ओहो जबरदस्त। तो मैं कहूँगा स्वर्ग अगर कहीं है तो वो लद्दाख में है, लद्दाख में है, लद्दाख में है। हे गाइस वेलकम बैक टू एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। और आज है हमारी राइड का मेरे ख्याल से सातवां दिन। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं सो मुरेरी, और सो मुरेरी यहाँ से 220 किलोमीटर है। और आज का व्लॉग मैंने होटल रूम से नहीं स्टार्ट किया, सीधा बाइक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। होटल रूम से स्टार्ट कई बार कर लिया, मैंने सोचा क्यों ना आज बाइक से ही स्टार्ट किया जाए, सीधा जर्नी दिखाई जाए। सो राइट नाउ अभी हम पहुँच चुके हैं स्टकना मोनेस्ट्री, और यहीं से सामने का जो व्यू है वो देखो क्या शानदार लग रहा है। ओहो ज़बरदस्त। और ये रही इंडस रिवर जिसको अब हम क्रॉस करेंगे। क्या सही लग रहा है यार, क्या सही लग रहा है, नाइस। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लेते हैं एक एरियल शॉट, यानी कि ड्रोन से व्यू लेते हैं और आपको दिखाते हैं स्टकना मोनेस्ट्री का अद्भुत नज़ारा। क्या कहते हो, स्टार्ट किया जाए? हैं, स्टकना स्टकना स्टार्ट किया जाए? हाँ जी बिल्कुल किया जाए, करा जाए, शुरू किया जाए। उपशी में है पेट्रोल पंप? नहीं है ना, लास्ट पेट्रोल पंप यही है ना। सो कारू में लास्ट पेट्रोल पंप है, आगे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, ना उपशी में है, ना तलांगला, ना सरचू, ना बारालाचला, सीधा मिलेगा आपको टांडी पर। लेकिन हम जा रहे हैं अभी सरचू, और सरचू नहीं जा रहे, सो मुरीरी जा रहे हैं, करजोक विलेज। बाहर छोड़ता है, अच्छा देख लेना बाहर ना है। यहाँ पे 104.45 रुपये 104.45 फुल कर देना, आएगा और नहीं आएगा थोड़ा 4 रुपये डाल देता हूँ, क्योंकि राउंड फिगर करूँ। हाँ कर दो कर दो, 1400 कर दो। ओह 1400 तो नहीं होगा, 1340 आया ना। ओके जी, तो 1340 रुपये का पेट्रोल आया इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पेट्रोल था पहले से। हाँ यूट्यूब पे एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर, लो जी फटाफट खोल लो, यहाँ पे सब्सक्राइब करवाते हैं। एक्स टी एम ई आ गया ऊपर सबसे टॉप में, लो सब्सक्राइब कर दिया भाई ने, बेल आइकन भी ऑल कर दिया, डन डना डन। ये देखो भाई, भाई ने बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिया, चलो थैंक यू भाई, देखना वीडियो आपका भी आएगा। सो गाइस राइट हैंड साइड पर जो रिवर आप देख रहे हैं ये आती है सीधा चाइना से, और इंडिया के थ्रू होते हुए चली जाती है पाकिस्तान में। तो देखो यार कितना ट्रैवल करती है ना एक रिवर, सबसे बड़ी ट्रैवलर है, सबसे बड़ी। पीछे भी है, पीछे
कौन सा? चलो हटियो। पद्मा चौकी चोको चोकोई रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट के बजाय लंच ही हो जाएगा। सो फाइनली आज की जो मेन जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जी हाँ, उपशी से और लेह से यहाँ तक का जो सफ़र था वो हमने करीबन 1.25 घंटे के अंदर कवर कर लिया। और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है लेह मनाली हाईवे, यानी कि आप सीधा टांडी होते हुए, सरचू होते हुए और पांग होते हुए पहुँच जाओगे मनाली। और ये वाला जो रास्ता जाता है, ये जाता है लोमा नयोमा चूमाथांग और हनले, और वहीं से सो मुरेरी का रास्ता राइट हैंड साइड को कटता है। बाकी हम अभी रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर कि हम अपना ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, लंच बोल सकते हैं, क्योंकि 12 बज चुके हैं, तो भाई अब लंच ही करके निकल रहे हैं। बाकी अभी तक हमने कितने किलोमीटर कवर कर लिया अंकित भाई, टोटल बताए? अभी तक लगभग हमने 60 किलोमीटर कर लिया। नहीं, टोटल जर्नी में, टोटल जर्नी 2100 2100 किलोमीटर की जो जर्नी है ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ का खाना भाई साहब बहुत ही स्वाद है। एक्चुअली मैंने एक पराठा खाया है, मज़ा आ गया। और ये बनाया हमारी दीदी ने। दीदी हाय बोलो। ये देखो मोड़ मुड़ते ही क्या खूबसूरत लैंडस्केप नज़र आई है। और आगे जा रही है एक आर्मी की बस, जो कि रोड को और लैंडस्केप को एक अलग ही सब्जेक्ट दे रही है। ओए होए 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 होए, क्या गजब के रोड बनाए हुए हैं भाई साहब, क्या गजब के रोड बनाए हुए हैं। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था, विंटर में राइड करी थी हमने, नवंबर दिसंबर में हिमालयन मैंने चलाई थी, तो यहाँ से हनले गए थे, तब ये जो रोड है इतना अच्छा नहीं बना हुआ था, तब यहाँ पर बजरी वगैरह पड़ी हुई थी, रोड कंस्ट्रक्शन चालू था। तो वो वाले वीडियोस भी हैं, जाकर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि विंटर में लद्दाख अलग ही होता है, बिल्कुल ही अलग ही होता है। तो रोड कंडीशन अभी बहुत परफेक्ट है, बाकी जो आगे रोड आएंगे जैसी जैसी कंडीशन होगी उसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा एंड तक, तो आपको इस रूट का अंदाज़ा पूरा हो जाएगा। सीरियसली यार, बहुत ही शानदार और गजब के रोड बना दिए। एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सेम इसी जगह की, विंटर्स की, अब देखिए। तो यहाँ से लोमा रह गया है 114 किलोमीटर, माहे है 71, क्यारी है 22 और सो मुरीरी है 133 किलोमीटर्स। 133 ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कल आ गए? अच्छा, कल यहीं पे आए थे ना। तो ये वाला जो ब्रिज है, इसको इनॉग्रेट किया है श्री राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। ये देखिए, तो अभी सारा सामान पैक कर रहे हैं, यहाँ पर आए होंगे इनॉग्रेशन के लिए। तो पूरे ब्रिज को ये देखो, क्या सही शानदार बनाया हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिली हमें। हेलो, बढ़िया भाई, मस्त। चूमाथांग यहाँ से सिर्फ 27 रह गया है। माउंटेन्स के जो कलर्स हैं अब बिल्कुल पर्पल हो गए हैं, सी। और अब आ गया ऑफ रोड। तो अब लगता है कि रोड ख़राब है आगे, क्योंकि अभी तक का जो रोड कंडीशन थी बहुत ही शानदार थी, बहुत ही शानदार। और हमने एक भी फ़ोटोग्राफ नहीं लिया उस रोड पे, लेना चाहिए था, लेकिन हम सोच रहे हैं यार जितनी जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं उतना ज़्यादा बेटर है। सब कुछ पर्पल है यहाँ, सब कुछ पर्पल, सिर्फ रोड और ग्रीनरी को छोड़कर।
हम पहुंच चुके हैं चुमा थांग, चुमा 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 थांग। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अबे सब बंद है भाई, इधर लगाते हैं, चलो यहाँ लगाते हैं। डन डना डन, मस्त ऑफ रोडिंग वाला पैस था ना, है फाड़ वाला ऑफ रोडिंग है ना। उसके बाद तो दे दनादम पेलम पेल। क्यों क्या हो गया? हाँ इधर भी है, नहाने का कुछ बना हुआ है आगे, मैं आज तक नहीं गया। सो मुरीरी यहाँ से है 90 होगा शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, देखना। हाँ 80-90 तो होगा। तो ये है भैया, क्या है ये रेस्टोरेंट, नाम क्या है पता नहीं। ऊपर ओके, अच्छा 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 ओके जी। ये कौन सा रेस्टोरेंट है भाई ऊपर, खतरनाक है ना। हाँ ओह ऊपर है, आओ आ तो गए ऊपर, सही है यार बढ़िया। सो यहाँ पर हमने सिर्फ एक लिमका पी और एक चाय पी, क्योंकि पराठों ने हमारा पेट पूरा फुल्लम फुल भर दिया था, तो जगह नहीं थी। लो जी हम पहुँच गए हैं माहे ब्रिज, और यहाँ से लेना है हमें राइट, पुलिस चेक पोस्ट माहे स्टॉप एंड एंट्री। एंट्री करानी है लेकिन हमें तो राइट जाना है, मेरे ख्याल से तो एंट्री की ज़रूरत नहीं है। नो विजिटर इज़ अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट विदाउट वैलिड परमिशन। परमिट, चलो यार हो गया चले। इंडस के ऊपर से निकलना क्या सही लग रहा है ना। फाइनली सो गाइस हम पहुंच चुके हैं सुमडो विलेज, और जो हमारी वाट लगी है ऑफ रोड पर वो मैं बता नहीं सकता, भाई की भी लग चुकी है भाई, पूरी लग गई है इसकी भी। एक्चुअली पहले तो टर्मैक आया बहुत ही अच्छा, हम इतने खुश हो गए भाई 70-80 किलोमीटर, इतनी खुशी हुई कि भाई भगाए जा रहे हैं पहले पड़े हैं। उसके बाद जो ऑफ रोड स्टार्ट हुआ उसने हमारी जो वाट लगाई है, मतलब पूरा जो पैच था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चुमा थांग से पहले। हाँ चुमा थांग से काफ़ी पहले से, हाँ चुमा थांग से 25 किलोमीटर पहले से ही ऑफ रोड स्टार्ट हो गया था और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और सो मुरीरी अभी भी यहाँ से 50 या 60 किलोमीटर है। हम पहुँच चुके हैं सुमडो विलेज, और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक सो मुरीरी जाता है ये वाला रास्ता जिससे कि हम जाएंगे, और ये वाला रास्ता जाता है ले मनाली हाईवे जो कि पहुँचेगा सीधा डेबरिंग। जी हाँ ये एक शॉर्टकट है, और बीच में पड़ेगा पोलो कांगला और TSO कार। संदूक बस्ती है, संदूक बस्ती बोलते तो सुमडो है, सिंधु है बोलते कुछ है, हाँ सुमडो भी बोलते हैं, लिखा हुआ कुछ थोड़ा रहता है फर्क रहा। कस्ट्रोल क्या हाथी का प्रचार कर रहे हैं क्या, प्रचार ये हाथी का। तो ये हमारे इंजीनियर साहब है, नहीं फिर मिस्त्री हैं। नाम तो सही प्लेट लगा रखी है आपने, श्याम कुमार जी वही हैं। तो बता रहे हैं कि माहे से लेकर यहाँ तक पूरा रोड इस साल बन जाएगा। पहले क्यों नहीं बनाया, हमें भी आराम मिल जाता। चलो कोई नहीं, अब सारे काम तो भाई कागज के हिसाब नहीं, फिर भी बहुत जल्दी हुआ है एक्चुअली। अभी हमने देखा पेंगोंग वाला रोड भी, वो भी बन गया, और अभी यहाँ तक का काफ़ी रोड बन गया है, चुमा थांग का हाँ वहाँ तक भी बन गया ऑलमोस्ट। सर जी भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे आके बंदर बन जाते हैं। स्किन ऐसी जल जाती है ना यार, क्या करें अब, यहाँ पे धूप बहुत तेज है। तभी तो मोदी जी बोले थे यहाँ सौर प्लांट का बहुत बड़ा स्रोत है। हाँ सोलर प्लांट का, सूर्य की जो किरणें ना यहाँ पर इतनी तेज अल्ट्रावायलेट रेस फेंकती हैं, जबरदस्त वाली, अगर आप सनस्क्रीन वगैरह या फिर ढक के नहीं चलोगे तो आपकी स्किन उखड़ जाएगी। ओके सर जी बाय बाय, हैप्पी जर्नी, थैंक यू, आराम से जाइए। बिल्कुल।
ये देखो भाई साहब, बाइक का हालत क्या हो गया है, हर जगह मिट्टी है, हर जगह मिट्टी। नाम शांगला पास था ये, और अब आएगी सो कियागार और वहाँ पर उड़ाएंगे हम अपना पंछी यानी कि ड्रोन। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। फोटो अच्छी आएंगी, फोटो अच्छी आएंगी। चलो 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 भाई, बाइक तो फिसल रही है हल्की हल्की, लेकिन चली जाएगी धीरे 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 धीरे, रेत है रेत। वाह क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है, ओहो ज़बरदस्त। सो गाइस, ये जो लेक है ये सॉल्ट वाटर लेक है, ये जो आप वाइट वाइट पैचेस देख रहे हैं ये सब सॉल्ट के हैं। हाँ नहीं, वहाँ पे धस जाएगी। हाँ मेरी गिर गई थी एक बार, हाँ निकलेगी नहीं, एक बार तो घुस गई थी मेरी वहाँ पे, गिर गई थी बाइक 2013। तीन बंदे थे, उठा ली। बहुत सही जगह लग रही है यार, लग रहा है ना बिल्कुल जन्नत का नज़ारा। भाई साहब कितनी पास आ गए हम लेक के। TSO कियागार यानी कि सो कियागार। हाँ जी, तो मैंने अंकित भाई को बोला था कि ठंड बहुत ज़्यादा होगी और इन्होंने कपड़े इतने ज़्यादा पहन लिए। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ। भाई साहब वाट लगी पड़ी इनकी। जितनी ऑफ रोड में नहीं लगी ना उतनी गर्मी ने वाट लगा दी। हाँ बहुत तेज़ धूप है यार, धूप है लेकिन हवा अच्छी लग रही है। ये रहे अपने पराठे 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 पराठे। कहाँ पे खाएंगे भाई? भाई ये रहे पराठे जो हमने पैक कराए थे। आंटी ने अचार नहीं दिया, पता नहीं। स्वाद आ गया भाई, स्वाद आ गया। पराठे, लेक, पहाड़ और ये नीला आसमान। गजब ही दुनिया है यार, गजब ही दुनिया है। सी रोड देखो कैसे जा रहा है भाई साहब, अल्टीमेट लग रहा है, अल्टीमेट। सीधा यूं करके ऊपर की तरफ, फोटो तो बनता है यहाँ का। हेलो जी, बढ़िया यार छोटू है तो। अरे क्या बात है, क्या बात है। झूले कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा ऐसे ही घुड़सवारी चल रही है, हम टाइगर पे कर रहे हैं। ये हमारा टाइगर है, टाइगर शेर, देखो यहाँ पे लिखा है ना टाइगर। आगे पास में आओ, पास में आओ, इधर आओ। कोई नहीं कोई नहीं, वो रुक जाएगा। आ जाओ आ जाओ, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना टाइगर, ये टाइगर है, वो घोड़ा है। रेस लगाएं? नहीं रेस नहीं लगाना। क्या बात है यार, देखो छोटू घुड़सवारी कर रहा है। छोटू है, छोटू है, कहाँ है? हम तो तुम्हें बोल रहे हैं छोटू। उधर देखो, हेलो झूले कैसे हो? बढ़िया यार, चलो कभी मैं भी करूँगा, ठीक है पक्का, कल आता हूँ मैं आपके पास। चलो जी,
सो गाइज हम पहुंच चुके हैं सो मुरीरी। ये देखिए कलर्स देखिए सो मुरीरी के क्या ब्यूटीफुल आए हुए हैं। अभी आसमान में पूरा का पूरा ये देखिए लाल कलर छाया हुआ है। और यहाँ से करजोक अभी भी 5 किलोमीटर है। आज का जो दिन रहा पूरा ऑफ रोड के नाम रहा। बाकी यहाँ पर रुके हैं हम से फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ लेने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है। और उसके अलावा दोस्तों वो देखिए वहाँ पर चोटियों पर बर्फ, अमेजिंग है यार अमेजिंग। बोलते हैं ना कि अगर जन्नत कहीं है तो वो कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर में है। और उसका एक वर्ड है स्वर्ग, तो मैं कहूँगा स्वर्ग अगर कहीं है तो वो लद्दाख में है, लद्दाख में है, लद्दाख में है। तो देखिए और एंजॉय करिए ये ब्यूटीफुल नज़ारे। टूरिस्ट एंट्री एट आईटीबीपी चेक पोस्ट, तो यहाँ पर हमें परमिट चेक कराना पड़ेगा अपना, उसी के बाद आगे जाने देंगे। अंकित गया देखने के लिए कि रूम कैसा है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, ये वाला जो व्लॉग है मैं मॉर्निंग में एंड कर रहा हूँ। और हमारे अंकित भाई की बिल्कुल जो जान है ना वो फंसी पड़ी है। ये देखो कैसे लेटे पड़े हैं। अभी सुबह का नज़ारा ये दिखाता हूँ, ये देखो। चलो इनको सोने देते हैं, थोड़ा सा और आराम करने देते हैं। बाकी यार कल बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई थी, इस वजह से थक गए थे। ये तो बिल्कुल लंबा लेट बेहोश हो गए। बाकी अपन ठीक ठाक टाइम पे उठ गए 7:30-8 बजे। तो चलो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और क्या होता है बेल आइकन वो दबा देना। तो चलिए अब करते हैं टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड अंकित भाई सायोनारा, सायोनारा, बाय। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Te gusta salir y se docita.